ये बताना चाहूँगी, ये एरा आपको देखने को मिल जाएगा 1990 में, 1990 का जो फिल्म पायरेसी होती थी और जिस तरह से वो बिजनेस था और कितना बड़ा बिजनेस था और क्या था ये फिल्म पायरेसी ऑल टुगेदर, इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और इट्स अ लवली मूवी, कमर्शियल मूवी है, फाइट्स बहुत अमेजिंग हैं, गाने बहुत प्यारे हैं, रोमांस बहुत अच्छा है, सभी कुछ ओवरऑल जो हमारे डायरेक्टर ने है अपने दिमाग में जो एक स्क्रिप्ट बना के रखी थी जो आज तक छापी नहीं है उस पर फिल्म बना के अब रिलीज़ कर रहे हैं। सो वो सब आपको देखने को मिलेगा उसमें। माई कैरेक्टर इज़ अ सिंपल गर्ल, शी इज़ इन लव विद बॉलीवुड, शी लव्स टू वॉच बॉलीवुड मूवीज़ एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एट द सेम टाइम वर्किंग, सिंपल है और बस अपनी फिल्में दुनिया में जीती है। कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया, रियल लोकेशंस पे शूट हुई है, जो भी आप देखेंगे उस फिल्म में सब कुछ रियल है और जो फील है, जो लुक है मूवी का, वो सभी आप लोगों को देख के पता लगेगा कि यू नो एक्चुअली किस तरह मूवी बनी है। तो आपको वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि बिना स्क्रिप्ट के ही पूरी मूवी बनी है और अब आपको भी पता लगेगा कि बिना स्क्रिप्ट के भी ऐसी मूवी बन सकती है। बड़ी कहानी क्या है कुछ आप बताना चाहोगे स्क्रिप्ट के? आई टोल्ड यू अबाउट, इट्स अबाउट, आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा इसमें फिल्म पायरेसी के बारे में। स्क्रिप्ट वाली आप स्टोरी बता रही हैं? हाँ, हाई टू सो बेसिकली शायद यूज़ टू रात को वो सीन बनाते थे अपने दिमाग में, सुबह हमको वॉइस नोट में भेजते थे एंड वी यूज़ टू हियर इट एंड वी यूज़ टू डू इट। सो दिस इज़ हाउ द एंटायर मूवी हमने की है। सो राइट बिफोर द एयर ऑफ 1990 हमने इश्क वाला लव एक मूवी है जो शाहिद के साथ मैंने और अर्जुन ने की, वो मूवी बहुत ही प्यारी थी जो हमने शूट की थी, वो अब इसके बाद रिलीज़ होगी। और साथ ही में पलकों की छाँव में 2 इज़ गोइंग ऑन, वो मैं कर रही हूँ एंड अ सॉन्ग इज़ रिलीजिंग टुमारो, सो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पार्टी नंबर एंड आई मेक सॉन्ग्स एज वेल, सो मेरा भी एक गाना है जो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। बहुत मज़ा आया, को एक्टर्स मतलब ऐसा फैमिली जैसा फील है वहाँ पे, जब हम जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं साथ में इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और एक फैमिली का माहौल होता है जब हम काम कर रहे होते हैं तो। सो लड़ाइयाँ भी होती हैं और प्यार भी होता है, सो इट्स लाइक अ फैमिली थिंग, तो सभी के साथ बहुत मज़ा आता है काम करके। आगे भी हम कुछ प्रोजेक्ट साथ में करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड।